नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी और अब समय है यमुनानगर के कम्युनिटी अपडेट्स का। विजयदशमी पर हर साल रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता था, लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी सार्वजनिक स्थलों पर पुतलों का दहन नहीं किया जाएगा। प्रशासन द्वारा कहा गया था कि अनुमति तभी दी जाएगी यदि कार्यक्रम में 200 लोग एकत्रित होंगे, लेकिन ट्विन सिटी में आधे दर्जन जगहों पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो जाते हैं, जिससे भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई। डेंगू की दहशत जिले में कम नहीं हो रही है। वीरवार को भी 5 नए मरीज डेंगू से ग्रस्त मिले हैं। अब जिले में डेंगू से ग्रस्त मरीजों की संख्या 57 पर पहुंच चुकी है। लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए नगर निगम और पंचायत द्वारा जिले में फॉगिंग की प्रक्रिया और भी तेजी से शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन विशेष स्थानों पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है जहां पर डेंगू से ग्रस्त मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। हरियाणा में संगठित अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए गठित डायल 112 में 2 और हेल्पलाइन नंबर जोड़ दिए गए हैं। महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 की बजाय 112 यानी 112 नंबर पर डायल करने पर महिलाएं तुरंत मदद ले सकेंगी, और वहीं एम्बुलेंस की सेवा भी 112 यानी 112 नंबर से जोड़ दी गई है। इस दिशा में गृह मंत्री विज के निर्देशों के बाद बड़ा बदलाव कर दिया गया है। ये थे यमुनानगर की कम्युनिटी अपडेट्स। ऐसे और अपडेट्स की जानकारी जानने के लिए आप देखते रहिए यस टीवी। नमस्कार।